हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन आवर लाइव सेशन। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। 1 हो गया था कंप्लीट, हमारे प्रीवियस लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में जाके देखेंगे क्लास वाले तो दिखेगा कि वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत पहले से भी जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। इस नाम से नहीं पढ़े हैं लेकिन किसी किसी स्कूल के सिलेबस में दिया हुआ रहता है 8 में भी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है सबसे पहले, व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो, जो कि फॉर्म में रहता है ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ये सब फॉर्म में रहेगा, ठीक है, डॉट 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 ए एन एक्स का पावर एन, जिसमें कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होता है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल होता है। मतलब कि इसमें इसका अगर डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, एन एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक्सप्रेशन होगा ये जो किस फॉर्म में रहेगा, ए ज़ीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस डाल दिया जाए प्लस, ठीक है, प्लस डॉट 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 ए एन एक्स का पावर एन, ठीक है, ए एन एक्स का पावर एन, जिसमें कि वेयर ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये होता है, ठीक है, ए का वैल्यू क्या ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, इसी को लिख देंगे इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग ए ज़ीरो से शुरू हुआ है, ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर से लेकर के ए एन एक्स का पावर एन तक गया हुआ है। मतलब ये कि ये इसमें कितना भी टर्म हो सकता है, इसमें कितना भी टर्म हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कितना भी टर्म हो सकता है, टर्म कैसे बढ़ता है ये सभी को पता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में हम लोग और भी बहुत सारा चीज़ पढ़े थे, पॉलिनोमियल में और भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पॉलिनोमियल का टाइप भी पढ़े थे बहुत सारा हम लोग, पहले पढ़े हैं इसके पहले भी क्लास में, पॉलिनोमियल पहले क्लास में पढ़ते थे, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल ये सब पढ़े थे ना, वही तो है पॉलिनोमियल, वही है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में एक हम लोग दूसरा टाइप तरह से टाइप पढ़े हैं, ये डिग्री के अनुसार टाइप है, लीनियर पॉलिनोमियल, नाइन्थ में पढ़े हैं ना क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना सारा पॉलिनोमियल फिलहाल टाइप इतना दिया है, सारा पढ़ना नहीं है, अगर पूरा सिलेबस रहता तब पढ़ना रहता है, अभी भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक हम लोग को पढ़ना है, यानी ये सारा पढ़ना है हम लोग को, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये चार को हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है,
नए वाले सिलेबस के अनुसार ही। तो ये सब होता क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा। तो सीधी सी बात है, चारों में अंतर बस डिग्री का है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या है, तो डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है। क्या होता है, पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल लिख दिए हम यहाँ पे एक्स प्लस वन, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स का 1 है, तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। डिग्री 2 का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इस तरह का पॉलिनोमियल पढ़े हैं ना हम लोग, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसमें देखेंगे जो हमारे पास वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो उसका हाईएस्ट पावर है हमारे पास 2, उसका हाईएस्ट पावर कितना है तो 2 है, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है यानी हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो जिसका ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर, ये पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वो 3 होगा उसको क्यूबिक बोलेंगे, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा वो लीनियर होगा, और बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा, तो जिसका पावर 4 होगा। इसका एग्जांपल लिख देंगे x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब, ये सब करके, ठीक है। तो ये तरह का टाइप का पॉलिनोमियल है हम लोग के पास, ठीक है। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो लीनियर पॉलिनोमियल का तो क्या लिखेंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सीधा सा बात, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग, ये सब हम लोग पहले भी पढ़े हैं पिछले क्लासेस में, ठीक है, तो ये सब देखने जरूरत उतना नहीं है। अब हम लोग आते हैं सीधी सी बात पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, बताएंगे। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नाम में पता चल रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो मतलब कि कोई पॉलिनोमियल, जैसे मान लेते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है x माइनस 5, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो ये जो पॉलिनोमियल है अगर इसमें x का वैल्यू निकाला जाए तो क्या आएगा, x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 5, आएगा ना। तो ये जो पॉइंट, ये जो वैल्यू है 5, ये जो वैल्यू है 5, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा जीरोज, तो जीरोज होता क्या है पहले ये जानेंगे। जीरोज मतलब ऐसा वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे, एक ऐसा पॉइंट या ऐसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे, उस पॉइंट को या उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरोज बोला जाता है, क्योंकि वो जीरो के बराबर कर रहा है। आप देखो, अगर x का वैल्यू 5 इस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट कर देते हैं, x के जगह 5 पुट कर देते हैं, तो 5 माइनस 5 क्या आ गया, 0 आ गया ना, यानी इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग 5 पुट कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हुआ, ये जो पॉइंट हुआ, ये 5
फाइव जो है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ कहलाएगा, और कोई भी वैल्यू यहाँ डालेंगे एक्स का तो क्या वो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर माइनस पाँच डाल देंगे तो माइनस टेन आंसर आ जाएगा, टू डाल देंगे माइनस थ्री आ जाएगा, टेन डाल देंगे टू आ जाएगा, और कुछ भी यहाँ एक्स का वैल्यू रखेंगे तो जीरो नहीं होगा। तो यही एक वैल्यू है जो इसको जीरो कर सकता है। तो ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें पांच ही एक ऐसा पॉइंट है जो इसको जीरो कर दे, यानी इसका एक ही जीरोज होगा। ठीक है, इसका एक ही जीरोज होगा। तो जीरोज में अगर डिफिनेशन लिखना हो तो जीरोज का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक रियल नंबर अल्फा को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा गया। अब देखेंगे तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने बताया कि यही एकमात्र वैल्यू है इसका, दूसरा कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब इसमें हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो नाइन्थ में पढ़े थे हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री। इसमें तोड़ते थे ना, मिडिल टर्म को तोड़ देते थे, स्प्लिट कर देते थे, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस थ्री प्लस, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो वन, यहाँ x माइनस थ्री बराबर जीरो, तो x माइनस तीन और x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू आ जाएगा थ्री और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग के पास x का दो वैल्यू है, x का कितना वैल्यू आ गया, दो वैल्यू आ गया, एक x का वैल्यू आ गया थ्री और एक और x का वैल्यू आ गया माइनस वन। दो वैल्यू आया हम लोग के पास, एक ये और एक ये। इसमें एक ही वैल्यू था, पाँच जो था इसको जीरो कर रहा था, लेकिन इस वाले पॉलिनोमियल के लिए दो ऐसा वैल्यू है कि अगर यहाँ थ्री भी पुट करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, वन भी पुट करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, पुट करके नहीं तो देख लेंगे, थ्री को अगर रखेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री इंटू टू, थ्री टू जा सिक्स और माइनस थ्री, तो नौ में से छः गया तीन और तीन में से तीन गया जीरो, देखो थ्री रखने पर जीरो आ गया। माइनस वन अगर रखते हैं तो माइनस वन का स्क्वायर वन और माइनस टू इंटू माइनस वन, तो माइनस टू यानी ये प्लस टू हो गया और ये माइनस थ्री, तो टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री कितना, ये भी जीरो, यानी इन दोनों को रखने पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। तो ये इसका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये बताने का मोटिव मेरा ये था कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल था, लीनियर, हाइएस्ट डिग्री कितना है, वन है, तो उसका एक्स का वैल्यू यानी उसका जीरोज, उसका जीरोज भी उतना ही रहेगा, जितना डिग्री रहेगा किसी भी पॉलिनोमियल का उसका जीरोज का संख्या भी उतना ही रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन एक नंबर में मान लिया जाए, पूछ सकता है सीबीएसई इस तरह से, बोल देगा हाउ मैनी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हैव हैविंग डिग्री वन। ऐसा एक बोला है कि एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एन है तो उसके कितने जीरोज होंगे, और ऑप्शन दे देगा। ये क्वेश्चन एक नंबर में बन सकता है, एन प्लस वन, एन माइनस वन, एन स्क्वायर और एन। अब इसमें से चुनना है, मान लिया जाए कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, आंसर क्वेश्चन क्या है कि एन डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एन है तो उसके कितने जीरोज होंगे। ठीक है, तो अभी हमने बताया पीछे क्या बताया कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री वन है तो उसका जीरोज भी एक ही आएगा, अगर डिग्री टू है तो उसका जीरोज भी दो गो आएगा, दो गो आया था ना, दो गो जीरोज आएगा, अगर डिग्री थ्री रहेगा
तो उसका जीरोज 3 आएगा, अगर डिग्री 4 रहेगा पॉलिनोमियल का तो उसका जीरोज भी 4 हुआ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर किसी का डिग्री n है कोई पॉलिनोमियल का, तो डिग्री अगर 2 है तो रूट यानी जीरो भी 2 आएगा, यानी जितना डिग्री उतना ही जीरो। अगर डिग्री 3 है तो जीरो भी 3, यानी डिग्री जितना उतना ही जीरो। तो यहाँ बोल रहा है कि डिग्री n है तो उसमें जीरोज कितना होगा, तो जीरोज भी n ही होगा, ठीक है। इस तरह से घुमा फिर आगे क्वेश्चन दे सकता है। तो ये होता है जीरोज। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज और कोफिशियंट्स में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा बुक पे आते हैं। पहला एक्सरसाइज दिया क्या जी के बारे में, ये तो इंट्रो इंट्रो है। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल सब के बारे में दिया है, तो ये सब याद रखिएगा, कुछ पूछ भी सकता है इसमें से। डिग्री के बारे में भी दिया है ना, तो हम लोग पढ़ चुके हैं वेरिएबल क्या होता है, रिकॉल कर लिया है यहाँ पे। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, इसमें भी दिया है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिया है जीरोज, यानी कि जो जीरो कर दे वही बात है। अच्छा ग्राफ वाला दिया है, लगता है ग्राफ वाला आएगा 2.1। अच्छा 2.1 में वैसा कुछ है नहीं खास, सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस पे जितना जगह कटेगा क्वेश्चन में बोला है, यही है 2.1 का। चलिए पहले 2.1 बना लेते हैं, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट जो देख रहे थे जीरोज वाला वो देखेंगे, ठीक है। जीरोज एंड कोफिशियंट वाला जो रिलेशन देख रहे थे उसको भी देख लेंगे, पहले 2.1 ख़त्म कर लेते हैं। ये बहुत आसान है, सीधी सी बात दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ क्या है कि ये ग्राफ दिया हुआ है वाई बराबर पी एक्स, यहाँ पर दिया हुआ है, आर गिवन इन फिगर बिलो सम पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, तो नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स का निकालना है। यहाँ लिखा हुआ है पी एक्स, यानी कि ग्राफ में एक्स पे कितने जगह कट रहा है, ठीक है। अगर पी वाई लिखा रहा था तो वाई का देखते, एक्स लिखा है ना तो एक्स के केस में देखेंगे, यानी एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ है उस पर एक्स एक्सिस पे उसके कितना जगह टच हो रहा है वो हम लोग को इसमें देखना है। तो जैसे ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज जीरो हो जाएगा, यानी कहीं भी टच नहीं हो रहा है, इसमें एक भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं। इसमें एक्स एक्सिस पे एक जगह यहाँ पे कट रहा है ये वाला ग्राफ जो लाइन है, ये तो वाई एक्सिस पे कट रहा है ना, फिर तो एक्स एक्सिस पे एक जगह कट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 1, इसमें एक जगह, दो जगह, तीन जगह, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 3। बस इतना ही काम ही करना है इसमें, और कुछ भी नहीं था, ठीक है। 4 में दो जगह कट रहा है तो 2 हो जाएगा, इसमें 1, 2, 3, 4 जगह कट रहा है, ठीक है, इसमें 1, 2, 3 जगह कट रहा है, ठीक है, तो बस यही था। उसके बाद फिर देखिए रिलेशन वाला ही आ गया जो मैं बता रहा था, तो उसमें कुछ है नहीं वैसा कुछ खास। तो रिलेशन समझेंगे, रिलेशन क्या होता है, मेन तो क्वेश्चन यहीं से आना है इसमें। तो रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया जाए है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, ठीक है। देखिए पावर 2 है ना, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे ना, पीछे मैंने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसमें ए क्या है, ए बी और सी ये रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर, ए बी सी क्या है, रियल नंबर, या फिर ए को कह सकते हैं, ये ए को ये भी कहते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशियंट क्या होता था,
तो जिसके जिसका पूछा जा रहा था कोफिशियंट, उसके साथ जो मौजूद है उसका पार्टनर, उसी को कोफिशियंट बोलते हैं, ठीक है। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो उसके मौजूद है। बी क्या हो जाएगा, ये किसका कोफिशियंट है, तो ये कोफिशियंट है एक्स का। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इतना चीज़, ठीक है। तो देखेंगे क्या बोला है इसमें, हम लोग को पढ़ना क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज, जीरोज और कोफिशियंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा और जो कोफिशियंट होगा उसके बीच रिलेशन हो क्या होगा। तो इसका जीरोज मान लेते हैं, लेट द जीरोज को हम लोग डिनोट करेंगे अब क्या चीज़ में, लेट द जीरोज इज अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, दो को आएगा ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने बताया ना कि जितना डिग्री उतना जीरोज, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, टू है, तो जीरोज भी कितना आएगा इसका, टू आएगा। तो दो को जीरोज जो है उसको मान लीजिए अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जब इसका जीरोज है, तो जीरोज पता चल गया, और कोफिशियंट कौन कौन है, ए बी सी, ये सब कोफिशियंट है, ठीक है। तो इसमें और इसमें रिलेशन क्या होता है वो, तो इसके लिए याद रखना है हम लोगों को कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है, बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा, तो इसका सम अल्फा प्लस बीटा, इसका सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, क्या होता है, बी होता है, माइनस बी बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो ए होता है, ए, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ जीरोज वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग एक और रिलेशन होता है, पहला रिलेशन तो ये हो गया, एक और रिलेशन क्या हो जाएगा, दूसरा रिलेशन देख लेते हैं इसका। दूसरा रिलेशन होता है सम के बाद प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, तो वो होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मीन्स ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और अल्फा और बीटा को, तो कांस्टेंट टर्म क्या था हमारा, सी, सी बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा कर देते हैं हम लोग, तो यही था हमारा दूसरा रिलेशन, यही दो को रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। पहला रिलेशन क्या है कि सम ऑफ जीरोज जो होगा वो होगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स और बाई अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी जो दोनों वैल्यू होगा उस पॉलिनोमियल का, एक्स का जो वैल्यू आएगा उन दोनों को जोड़ेंगे, तो उसी पॉलिनोमियल में जो बी के जगह पे नंबर रहेगा और जो ए के जगह पे नंबर रहेगा उसको डिवाइड अपॉन में कर देंगे, तो उसके बराबर ही आएगा। ये क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये आपको याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है पॉलिनोमियल में, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं एक और चीज़ लास्ट, उसके बाद स्टेपलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म, सिर्फ सवाल। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज क्या है अल्फा एंड बीटा, इज गिवन बाय जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल जो बनेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये समझे क्या है? नहीं, चलिए देख लेते हैं। ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा, ये कभी कभी आप लोगों को सवाल में दे दिया जाएगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज जो है तीन है, अल्फा एक जीरोज और दूसरा जीरोज जो है वो दो है, ठीक है। तो इससे बोल दिया जाएगा कि जीरोज दे दिया जाएगा दो को, और बोल दिया जाएगा कि ये ऐसा जीरोज वाला कौन सा पॉलिनोमियल है, ऐसा जीरोज वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक हम लोग को बना के दिखाइए। तो ऐसा जीरोज वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना रहेगा जब, तो ये फॉर्मूला वहाँ पे काम आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस से शुरू करेंगे, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, क्योंकि हम लोग का क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ ना पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे आएगा बी के जगह और अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला, ये सब क्वेश्चन से एक बार में समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा कि सबका कहाँ पे यूज़ है, क्या यूज़ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही, फिलहाल आपको बस याद क्या रखना है, जितना भी कॉन्सेप्ट हुआ थ्योरी वाला जो क्लास हुआ उसमें आप लोग को याद ये रखना है। ये तो हो गया डिफिनेशन, इसको ज़रूरत नहीं है उतना। दूसरा में ये याद रखना है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, आसानी से याद हो जाएगा। थर्ड चीज़ याद क्या रखना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये याद रखना नहीं है, ये वाला याद रखना है जीरोज में, कि कितने जीरोज होंगे तो जितना डिग्री रहेगा पॉलिनोमियल का उतना ही जीरोज होगा। दो चीज़ बताए याद रखने के लिए, पहला लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या होता है, दूसरा कि जितने डिग्री रहेंगे पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना ही उसका जीरो वैल्यू भी होगा। अगला ये याद रखना है रिलेशन, पहला रिलेशन दूसरा रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना है, ये वेरीफाई करने के लिए देता है क्वेश्चन में। क्या याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। और अगला चीज़ याद रखना है कि पॉलिनोमियल अगर हम लोगों को बनाना दे दिया जाए बनाने कि पॉलिनोमियल बताइए कि ये दो वैल्यू वाला कौन सा पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। और ये जो तीन को अभी हम लोग देखें, ये एक और ये दोनों, ये क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.1 हो गया, 2.2 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन 2.2 का? देखेंगे 2.2, का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द जीरोज
जीरोस निकालना है इसमें, यानी वैल्यू निकालना है, अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल, ये जितना भी नीचे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, ये सारे काम लोगों को क्या निकालना है, जीरोस वैल्यू क्या होगा आखिर एक्स का इसमें। जीरोस मतलब क्या बताए, रूट, रूट मतलब जहाँ जो इसका वैल्यू है, ठीक है। एंड वेरीफाई, वो तो निकालना ही है और साथ में वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट्स, जीरोज और कोफिशियंट का जो रिलेशनशिप बताई ये वाला, वो भी हम लोगों को इसमें वेरीफाई करना है, ये वाला वेरीफाई करना है और अल्फा और बीटा भी निकालना है, दोनों काम करना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अल्फा और बीटा दोनों जीरोज निकाल लेते हैं। दोनों जीरोज कैसे निकलेगा, तो इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है, फैक्टराइज बहुत पढ़े नाइन्थ में, ठीक है, बहुत फैक्टराइज पढ़े। तो ये फैक्टराइज कैसे होता था, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, बीच वाला टर्म को तोड़ करके। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर है माइनस टू एक्स माइनस एट, तो इसको अब हम लोगों को फैक्टराइज करना है बीच वाला टर्म को। इसमें करते क्या थे याद है ना, बीच वाले टर्म को दो भाग में तोड़ते थे, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म के बराबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए, यही होता था ना। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर, दो एक्स को कैसे तोड़ा जाए, तो देखो टू एक्स को अगर लिख दे फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, तो देखेंगे इसको और इसको, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या किए, टू एक्स को हम लोगों ने, इस पार्ट को टू एक्स को क्या किया, दो भाग में तोड़ दिया। कौन कौन सा दो भाग में तोड़ा, तो हमने तोड़ा दो भाग इसमें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही चीज आएगा कि नहीं, माइनस चार प्लस दो, माइनस प्लस माइनस, तो चार में से दो घट गया तो दो बचेगा माइनस में और एक्स। और देखेंगे फोर और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर था एट और वन यानी एट, तो एट आ जाएगा। तो इसी तरह से ना तोड़ते थे, कैसे तोड़ते थे कि उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म ही आ जाए। जैसे इसको अब देखो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच वाला ही टर्म आ जाए और इसको मल्टीप्लाई करने पे सी और ए का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए, ठीक है। ओके, चलिए तो इसमें से अब उसके बाद क्या करते थे, इन दोनों में कॉमन निकालते थे पहला दो टर्म में से। तो कॉमन निकाल लेते हैं अब x और 4x, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x ना, तो x बाहर आ गया तो बच जाएगा x माइनस फोर, प्लस इसमें क्या कॉमन है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा बच जाएगा x माइनस फोर। तो यहाँ हो गया x माइनस फोर, यहाँ हो गया x प्लस टू बराबर जीरो, यानी कि जीरोज निकाल रहे हैं तो जीरो के बराबर करके निकालेंगे, मतलब x माइनस फोर को भी जीरो के बराबर कर देंगे और x प्लस टू को भी जीरो के बराबर करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू फोर आ जाएगा और x का वैल्यू एक और माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक हमारा जीरो हो गया, अल्फा मान लेते हैं फोर है और बीटा क्या है माइनस टू है, हो गया। इसके बाद क्या करना था हम लोगों को, इसके बाद वेरीफिकेशन करना था, क्या करना था, वेरीफिकेशन करना था, बोला है ना इसमें कि पहले तो जीरोज निकालिए, तो जीरोज तो हम लोगों ने निकाल लिया, उसके बाद वेरीफाई करिए रिलेशन को, तो वेरीफाई करते हैं अब। तो वेरीफिकेशन में क्या था कि अल्फा प्लस बीटा जो हो वो माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए, पहला यही था ना रिलेशन, रिलेशन यही था ना। तो चलिए देख लेते हैं है कि नहीं बराबर, अल्फा फोर है बीटा माइनस टू है, तो अल्फा क्या है फोर है और बीटा है माइनस टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टू, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा देंगे, तो टू जो है वो किसका कोफिशियंट था पॉलिनोमियल में, देखेंगे टू एक्स का है ना, यानी बी के जगह ही ना है, ये टू कहाँ है, बी के जगह है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यही होता था ना, तो टू के, टू किसके जगह है, ये टू बी के जगह है। तो देखो इसमें जो हम लोगों ने लाया क्या वो माइनस बी बाई ए के बराबर आ गया है, क्या वो माइनस बी बाई ए के बराबर आ गया है कि नहीं आ गया है, तो बिल्कुल आ गया है। देखो बी का वैल्यू, माइनस बी का वैल्यू क्या है टू है ना, तो बी का वैल्यू क्या होगा माइनस टू होगा, तो देखो बी के जगह माइनस टू था कि नहीं था पॉलीनोमियल में, बी के जगह माइनस टू, ठीक है।
और क्या है, नीचे कुछ नहीं था तो वन डाल दिए थे, तो ए का वैल्यू क्या है, वन। तो पॉलिनोमियल में देखो ए की जगह वन है कि नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह कुछ नहीं तो वन आया ना। चलो तो पहला रिलेशन वेरीफाई कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर तो होता है। हाँ भाई हो गया। अब अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या सी बाई ए के बराबर आएगा, तो देख लेते हैं। अल्फा था हमारा 4 मल्टीप्लाई बीटा था हमारा माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 8/1। तो क्या ये सी बाई ए के बराबर आया, यानी सी का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस 8। तो क्या सी का वैल्यू माइनस 8 नहीं है, है ना, और ए का वैल्यू तो 1 है ही, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो ठीक है, यानी ये वेरीफाई हो गया, सी बाई ए के बराबर ये आ गया, हो गया वेरीफाइड। यही काम करना है पहला का सारा क्वेश्चन में, फर्स्ट के सारे क्वेश्चन में यही काम करना है। लिखेंगे जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s+1। क्या है, 4s² - 4s+1। चलिए इसको भी वही काम करना है हम लोगों, (4s²-4s+1) ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है, फिर से वही काम करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसको लिखेंगे 4s², इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे तो -2s - 2s देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, दो दो 4s हो जाएगा कि नहीं, और 2 मल्टीप्लाई होके 4 × 1 = 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, +1 = 0, 0s निकालना इसलिए 0 के बराबर। इसमें से देखेंगे पहला दोनों टर्म में से इस दोनों में 2s क्या है, कॉमन है, यानी दोनों में आ रहा है, तो इसमें से 2s बच रहा है और इसमें कुछ नहीं बच रहा है तो -1, यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, तो 2s - 1 = 0, 2s - 1 और 2s - 1 दोनों हो गया, तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0 दोनों तो वही आया है सेम चीज़, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 उधर गया, +1 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चल जाएगा, यहाँ भी s का वैल्यू आएगा 1/2। तो अल्फ़ा तो निकल गया हमारा कितना, 1/2, बीटा भी निकल गया कितना, तो 1/2। अब हम लोग कर लेते हैं वेरीफिकेशन कर लेते हैं, अब हम लोग वेरीफाई भी तो करना था ना, तो वेरीफिकेशन कर लेते हैं। वेरीफिकेशन में क्या था कि सम ऑफ जीरोज जो होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा -b/a के बराबर आना चाहिए, तो अल्फ़ा कितना है हमारा 1/2, बीटा कितना है 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 2 LCM, तो 2/2। यानी कि
टू बाई टू लिखो इसको, या फिर काट करके वन के भी बराबर वन बाई वन भी लिख सकते हैं, या फिर फोर बाई फोर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे ना पहले क्लासेस में, तो वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है यहाँ पे काम किए। काट के उसको वन भी लिख सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे दोनों में टू मल्टीप्लाई करके तो फोर भी लिख सकते हैं। ये क्यों लिखे बताते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता है, माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए ना, यानी कि बी का वैल्यू जो होना चाहिए, बी का वैल्यू हमारा कितना है, फोर, ठीक है। माइनस बी का वैल्यू फोर है, माइनस बी का वैल्यू कितना है, फोर, तो बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस फोर। देखो माइनस फोर है कि नहीं है बी के जगह। बाई ए, ए कितना आया है, चार, तो ए के जगह चार, इसीलिए चार किए थे क्योंकि यहाँ चार चार दिया हुआ था। अगर चार नहीं भी करते तो मान लिया जाए यहाँ टू बाई टू आया था, तो इसको काट के वन बाई वन लिखते ना, तो वन बाई वन को भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे कि हाँ ये माइनस बी बाई ए के बराबर है। कैसे है, तो माइनस बी का वैल्यू चार है और ए का भी वैल्यू चार था, तो चार चार कट के तो वन ही वन आता ना, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वहाँ तक हम गए, मैं गया वो बताया, ठीक है, कि वो यहाँ पे हम लोग टू बाई टू को वन बाई वन लिख दो, या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करके अगर उससे मैच करवाना है क्वेश्चन के अनुसार, तो उसको हम लोग लिख सकते थे फोर बाई फोर भी, और ये जो है माइनस बी बाई ए के बराबर है, ठीक है। ये क्या है, माइनस बी बाई ए के बराबर है, ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए के बराबर आ गया। ये हम लोग किए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन का नेचर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था फोर फोर उसके लिए, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, बस मिला लेंगे माइनस बी बाई ए करने के बाद कि क्या वो कट के वो भी वन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना आएगा, तो वन बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई टू, ये सी बाई ए के बराबर आना चाहिए, तो वन बाई फोर। देखेंगे क्या वन जो है सी का वैल्यू वन है, तो देखो सी का वैल्यू क्या है, वन, और नीचे ए आया है तो फोर, यानी प्रोडक्ट भी आ गया ना, यानी ये वेरीफाई हो गया, रिलेशन वेरीफाई करना है बस, ठीक है। यही था सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, घर में ट्राई करेंगे। फोर भी इसी के जैसा है, सिक्स भी, फोर और फाइव थोड़ा अलग अलग है, फोर और फाइव। चलिए एगो फाइव देख लेते हैं, तो एक देख लेते हैं उसके बाद में देखेंगे, कल देखेंगे बाकी का क्वेश्चन। क्या था फाइव नंबर, टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको लिखेंगे जीरो के बराबर। इसमें एक्स स्क्वायर बी एक्स है ही नहीं, सी डायरेक्ट दिया है, ठीक है। इसमें कोई और टर्म, एक ही टर्म है जिसके पास वेरिएबल है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ भी वेरिएबल था, यहाँ भी वेरिएबल था, तब कांस्टेंट टर्म था। इसमें देखेंगे यहाँ भी, इसमें देखेंगे तो यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, तब कांस्टेंट टर्म है। इसमें देखेंगे तो यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, फिर एक कॉन्स्टेंट टर्म है। इसमें भी वेरिएबल, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट टर्म। इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है तो बहुत आसान है ये तो बनाना। और सीधा सीधी साइड चेंज करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15। स्क्वायर का साइड चेंज होता है तो क्या बनता है, रूट 15। तो रूट अब हम लोगों को दो तरह से पढ़ना है, किस में, क्लास में, इस क्लास में, ठीक है। 9, 10 में खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल, ये सब में रूट का दो वैल्यू पढ़ना है।
कौन कौन सा, एक प्लस का वैल्यू और एक माइनस का, यानी प्लस रूट फिफ्टीन भी हो सकता है टी का वैल्यू, माइनस रूट फिफ्टीन भी। तो टी का वैल्यू कितना हो गया, दो को, एक प्लस रूट फिफ्टीन और दूसरा माइनस रूट फिफ्टीन। देखो इसमें डिग्री कितना था, दो था ना, तो इसमें भी दो वैल्यू आया ना, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, रूट फिफ्टीन और बीटा माइनस रूट फिफ्टीन। अब इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। तो अल्फ़ा है हमारा 15 और बीटा है माइनस 15, रूट 15 और बीटा है माइनस रूट 15। तो देखेंगे रूट 15 प्लस में और माइनस में सेम चीज़, जीरो हो जाएगा ना, कुछ नहीं इसके नीचे, तो 1। तो क्या ये माइनस बी बाई ए के बराबर आया, तो बिल्कुल आया। हमारे पास यहाँ क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस सी, बस यही चीज़ ना है। अब बी नहीं है, बी नहीं है क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू जीरो होगा, तभी तो वो ख़त्म हो गया जीरो, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो आ गया ना, तो ये माइनस बी बाई ए के बराबर आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या सी बाई ए के बराबर आ रहा है, तो अल्फ़ा है हमारा रूट 15 और बीटा है माइनस रूट 15। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 15 रूट 15 15 हो गया और माइनस के कारण माइनस लग गया, तो क्या ये सी बाई ए के बराबर आ गया, कुछ नहीं तो 1। तो सी कितना था हमारा, सी था ना 15 माइनस 15, तो माइनस 15 आ गया। और ए टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, यही काम करना था इसमें। हो गया, चलिए इसके बाद क्या है, ये तो पहला क्वेश्चन का ये नंबर बता दिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड बता दिए, फिफ्थ बता दिए, तीन और बचा छः में, एक ये एक ये एक ये, तो इसी के जैसा, दोनों के जैसा, ये दोनों है इसकी तरह, ये वाला है, ठीक है, और कुछ तो है नहीं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर टू का एक दो बता देते हैं, फिर बाकी सब एक बार ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर कल इसको बनाएंगे, जो जो आज छोड़ेंगे वो कल फिर से बनाएंगे, लेकिन एक बार ट्राई करने के लिए आज नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आज ये बताया नहीं जा रहा है क्योंकि आप लोग एक बार घर में भी इसको ट्राई करेंगे, इसीलिए आज छोड़ रहे हैं, ऐसे इसको कल फिर से हम पूरा बता देंगे जो भी आज छोड़े हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है जिसका कि देखिए यहां पे क्या दिया है, गिवन नंबर, ये नंबर से रिलेटेड एक दिया है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करिए विथ द गिवन नंबर, ये गिवन नंबर से,
लेकिन नंबर के बारे में क्या दिया है कि वो जो नंबर है वो सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज है, ठीक है। वो जो नंबर, ये दो दो नंबर दिया है ना सारे में, एक ये एक ये एक ये एक ये, सारे में दो दो नंबर दिया है, ठीक है। तो सारे में जो दो दो नंबर दिया है, ये इसमें पहला नंबर जो है वो सम ऑफ जीरोज है और दूसरा नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब ये कि ये वाला जो नंबर है वो सम ऑफ जीरोज है, क्या है, सम ऑफ जीरोज। और ये जो सेकेंड वाला नंबर है, और ये जो सेकेंड वाला नंबर है ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। और ये वाला नंबर सम ऑफ जीरोज। यही दिया है ना कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करिए जो गिवन नंबर है, और ये नंबर जो है एक सम है और एक प्रोडक्ट है जीरोज का, ठीक है। एक बार और बता रहे हैं क्या है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1/4, एक नंबर क्या है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और दूसरा नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको बनाना कैसे, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। देखेंगे पीछे बताया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए ये था फॉर्मूला, अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ऑफ जीरोज अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला था कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करने का यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। अब फॉर्मूला क्या था, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही दिया हुआ था ना, यही था ना पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, बस पुट कर देना है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो उसके जगह लिख देंगे -1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से सजा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस -1, फ्रैक्शन में नहीं रखना है इसलिए इसको ले लेंगे 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, उधर 0 है मान लिया जाए तो 0 की तरफ 4 को भेजेंगे तो 0 ही रह जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या बन गया, ये आ गया, ठीक है। निकल गया, सिंपल सा दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इसका पहला का 3 क्वेश्चन जो बचा वो, और सेकंड नंबर का जो भी बचा 4-5 क्वेश्चन, वो तो आसान है, वो करके आएंगे। जो अभी नहीं हुआ है उसको कल एक बार कर देंगे पूरा, ठीक है, सारे क्वेश्चन को, जो भी आज छोड़े हैं सारा क्वेश्चन कर देंगे, वो हम घर में बनाने के लिए आप लोगों का प्रैक्टिस के लिए छोड़ा जा रहा है। चलिए ठीक है।